हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है मक्का रोकें या बेचें। जी हाँ किसान भाइयों, नए साल में कई किसान पसोपेश में हैं कि मक्का का भाव बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और जैसा पिछले साल था वैसा ही इसी साल शुरू हुआ है। कई किसानों को उम्मीद थी कि नए साल यानी 1 जनवरी से ही कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब वो किसान इस दुविधा में है जो ये सोचकर अपना मक्का रोक कर रखे थे कि मक्का का भाव बढ़ेगा और हम बेचेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हालांकि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में मक्का भी 2000 प्लस भाव में चल रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों की, तो यहाँ पर मक्का भाव 1600-1700 के आसपास चल रहा है। ऐसे में इन राज्यों के किसानों में थोड़ा दुविधा है कि मक्का बेचें या ना बेचें। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि अगर आपको इमीडिएट यानी कि तत्काल पैसों की ज़रूरत है तो आपको तो बिना सोचे बेचना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसों के कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनवरी एंड तक या फिर कह सकते हैं कि फरवरी के स्टार्टिंग में मक्का के भाव में उछाल देखने को मिल सके, क्योंकि मक्का इस वर्ष बहुत कम एवरेज से पका है। पका जरूर है, बहुत शानदार फसल हुई है, और बाद में क्या होगा कि मार्च, अप्रैल, जून तक नया मक्का भी आ सकता है, तो ऐसे में भाव दोबारा गिरने की संभावना है। तो अगर आप अपने विवेक से काम लें तो हो सकता है कि आपको मक्का बेचें या रोकें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि मक्का आप बेचेंगे या रोक कर रखेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।